तो वजह ये है कि इतने दिनों से हमारे ब्लॉग्स नहीं आए क्योंकि हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि आप सब पूछ रहे थे, आप सब में से कई लोगों ने ये अंदाज़ा भी लगा लिया था चीज़ें हैं। तो यस, आज हम इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि यस, दीपिका इज 3 months प्रेग्नेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही रीज़न था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है और थोड़ा सा इंसान घबराता भी है, डर भी, लाइफ का नया फेज है, एक लाइफ का नया फेज है, थोड़ा इंसान घबराता भी है, डरता भी है। हमने कोशिश की थी, हमने सोचा भी था कि हम इसको पहले बता दें, बट कई लोग सारे जो होते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपने से बड़े होते हैं, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो सब लोग हों, इवन डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि नहीं, 3 months तक आपको ये चीज़ नहीं रिवील करनी है, ये हमारा क्या बोलेंगे उसको, ये हमारा ऐसा कहना है। और आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ गए थे। हाँ। क्योंकि जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक कनेक्शन है आप सबके साथ, चीज़ें समझ जाते हो, और आप बार बार ब्लॉग्स में हमसे पूछ रहे थे कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, तो हम नहीं बता सकते थे बिकॉज ऑफ रीज़न, सम रीज़न। और क्योंकि आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ भी गए थे। हाँ। कई लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, आई थिंक वो 3 महीने के बाद ही उस चीज़ को अनाउंस करेंगे, जो कि होता है। तो यस, हम लोग इसी चीज़ के लिए रुके हुए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे टेस्ट अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए आज हम आपके सामने हैं। क्योंकि और तुम बोलो, समझ नहीं आ रहा एक्चुअली हम हाँ। क्या बोले, किस तरीके से बोले। ऑब्वियसली लाइफ का एक बहुत बहुत स्पेशल, बहुत ही ब्यूटीफुल ये फेज है जो मन में यू नो शुरुआत में, जैसे कि शोएब ने कहा, सब लोग कह रहे थे, तो थोड़ा डर, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, डर भी था, बहुत कुछ, सारे मिक्स्ड इमोशंस। एंड जैसे कि शोएब ने कहा, हम आपसे, हम आए और आपको झूठ बोलें या आपसे छुपाएं, वो हमें सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर हमने सोचा हमारे कि कुछ रुक जाते हैं, कुछ हमारे वो थे रीजंस, क्योंकि सभी मना कर रहे थे, जो भी मिल रहा था कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। और फिर आई थिंक आप में से कुछ लोग इस चीज को समझेंगे कि जब ऐसी चीजें होती तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो डर आ जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ एक रीजन और भी था, क्योंकि लास्ट ईयर, ये सब आप लोग को पता नहीं है क्योंकि हमने ये आपसे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो सीधे, अगर जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें, अगर उस चीज़ को लेके कभी कुछ गलत बोल दें तो सीधे दिल पे चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए हमने वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं की थी। लास्ट 2022 फेब एंड या मार्च के आसपास एक मिसकैरेज हुआ था, यू नो, तो डर थोड़ा और ज़्यादा था उस टाइम पे। आई थिंक 6th week, छः हफ्ते की की प्रेगनेंसी थी दीपिका की, और उस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था, तो यू नो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बाद से। इसके बाद थोड़ा सा डर थोड़ा ज्यादा था, ऑब्वियसली आप लोग समझेंगे, हम अकेले नहीं है, कई लोग इस फेज से गुजरते हैं। थोड़ी हेल्थ भी डिटेरियरेट हुई थी इसकी, यू नो, जैसे जब आप बातें किया करते थे, क्या हो गया दीपिका को, ऐसे मोटी हो रही है, ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर इंसान के रीजन होते हैं, बट ठीक है, मुझे लगता है कि जब सही वक्त हो तब इंसान को उसके बारे में बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो आज हम ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ था, तो शायद इस वजह से हम थोड़ा सा और भी डरे हुए थे, बट यस अभी। और इनफैक्ट जब आप, मुझे याद है 25th of November मैं चांदीमली में शूट कर रहा था, जब दीपिका का फोन आया था, व्हाट्सअप आया था कि शोएब रुको मैं फोटो भेज रही हूँ देखो, एंड देन फिर जब मैंने खोल के देखा तो ऐसे लाइन थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है दीपिका ओके, मैं ऐसे देखा दीपिका ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिल पे मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार चीज़ें हो चुकी थी ना, ज़्यादा दिल पे मत लगाना, जो होगा अल्लाह की मर्जी है, ठीक है, ऐसा ऐसा चीज़ें करके, मतलब हम दोनों अपने मतलब अपने एंड से ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है, हर किसी को होती है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे ना उस चीज़ को सेलिब्रेट करने में भी या एक खुश होने में भी, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो होके ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, तो वो, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि शायद हाँ इस बार है, हाँ शायद इस बार है, तो मैं जैसे ही वापस आई मैंने टेस्ट किया एंड फिर मैंने शोएब को भेजा, लेकिन उसके बाद हम बहुत बहुत केयरफुल थे हर चीज़ में, एंड शुरुआत में इनफैक्ट यहाँ तक मैंने उसी दिन इसको बोला भी था कि अम्मी को मत बताना अभी, क्योंकि लास्ट टाइम ऑब्वियसली बात है, हम लोग कभी कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत प्रैक्टिकल इन चीज़ों को लेके समझ जाते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमोशनल हो गई थी, ये भी बहुत इमोशनल थी, इसको भी बहुत वो चीज़ हिट की थी, एंड सबको जब बताया था तो उसको मैंने बोला था, हमने कहा दीपिका नहीं अभी अम्मी को नहीं बताना है, लेकिन जब 15-20 days के बाद जब डॉक्टर ने, क्योंकि इसके साथ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, चीज़ें होती हैं, और वो तो, भी एक रीज़न है कि 3 महीने तक और ज़्यादा, और ज़्यादा आप सबको पता है, द फर्स्ट 3 months आर द मोस्ट डेलिकेट फेज
ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑफ एवरी प्रेगनेंसी, हर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए हम और ज़्यादा केयरफुल थे. तो जब मैंने दीपिका को यही बोला था, दीपिका अभी अम्मी को नहीं बताना है, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कोई ऊँच नीच हो, कुछ हो, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, चीज़ें हुई थी, तो फिर से मैं उनको मतलब नहीं चाहता कि उनको इतनी तकलीफ पहुंचे. लेकिन फिर जब डॉक्टर ने, आई थिंक अम्मी को भी हमने 15-20 डेज के बाद बताया है, जब डॉक्टर ने बोला दीपिका को स्पेशली बेड रेस्ट, अब आपको बेड से हिलना ही नहीं है, बिल्कुल आराम करना है, हाँ बहुत ज़रूरी काम है तो आप निकल सकते हो, वो भी गाड़ी स्पेशली इस तरीके से चला गई कि 20-25 की स्पीड से ऊपर ना जाए, आपको धचके ना लगे. और यही रीज़न था कि गाड़ी जो है वो चेंज की थी, हाई हाई ना हाई कार. और यस, अब इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे आपके पास आपके लिए, हम भी आपसे दूर नहीं रह सकते, तो अब इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे. मैं भले भी कितना भी बिजी हूँ, लेकिन हफ्ते में एक आध ब्लॉग तो मेरा चला जाया करता था, इन दीपिका के तो आते ही रहा करते थे. फाइनली अब सब रीजन आपके सामने हैं. आई एम सॉरी अगर किसी का दिल दुखा हो, किसी को हर्ट किया हो, व्लॉग्स नहीं आए हो, सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये रीज़न था. आई होप आप हम सबको माफ़ करेंगे, क्योंकि हमने व्लॉग्स क्यों नहीं डाले, सीजन की वजह से नहीं डाले. बट यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. जेन्युइनली जिस तरीके से आपने वो अपनापन, वो वॉर्म्थ, वो वरी इस बार भी एक्सप्रेस की है, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है. मतलब DM, कमेंट्स हर तरीके से फ्लडेड है, यूट्यूब भी, इंस्टा भी, सब कुछ की आप लोग क्यों नहीं दिख रहे, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो. एंड कई लोग बहुत कॉन्फिडेंटली ये मैसेज कर रहे हैं कि हमें पता है, टेक केयर, ध्यान रखो, सब अच्छा होगा, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं. सो उसके लिए थैंक यू सो मच. अच्छा लगता है जब आप में से कई लोग समझते हैं ना उस चीज को, कि हाँ ये रीजन हो सकता है, बट कोई बात नहीं, जो नहीं समझते उनके लिए भी कोई बात नहीं, तो ये रीजन था. तो बस अभी बस यही आप सबको बताना था, और आप सबसे यही कहना था कि आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है. बस दुआ कीजिएगा कि पहला है इंशाल्लाह, और अच्छे से सही सलामत इस जिंदगी में आ जाए.